हेलो, सत श्री अकाल सारिआं नूं, किवें हो? अज मैं आ दुपट्टा पेंट कर रही हाँ। ओरगेंजा दुपट्टा हैगा, प्योर ओरगेंजा। तो इहदे विच मैं फोर साइड डिजाइन बना रही हाँ, ठीक है। इहदे विच मैं देखो फ्लावरस दी ना जस्ट एक आउटलाइनिंग कीती कि रोजेस बननगे इत्थे, तां मैं वी पहलां लीव्स कंप्लीट करनी है इस दीआं। देखो मैं लीव्स कीतियां इन्हां दीआं, ठीक है। इस तरह हुण तुहानूं एक इधरों बना के दिखा रही हाँ लीव्स। इस तरह मैं तीन कलर ले ने, क्रीम, डार्क सैप ग्रीन, ब्रंट शाइना, ठीक है। इस तरह ही मैं दो शेड ले रही हाँ, क्रीम ते ग्रीन, ठीक है। ऐसा आपां ज़िगज़ैग करके पत्ती बनानी है। इस तरह फिर मैं एक बारी ग्रीन ले लिया, एक बारी ब्राउन ले लिया, मतलब शेड्स जे बन गए पत्तियां विच, ठीक है। एक पासों इस तरह ज़िगज़ैग करके मैं इधरों पहला ये वाली पत्ती नूं इस तरह कर लिया सीगा, तो इनू मैं इस तरह कर रही हाँ, ठीक है। मतलब मैं दो तरह की पत्तियां बना रही हाँ इन दुपट्टे। मैं एक पत्ती मैं इस तरह की बना रही हाँ, एक पत्ती इस तरह की बना रही हाँ, ठीक है। जिवें एक साइड तो ज़िगज़ैग वाला डिजाइन बना लिया, एक साइड तो इदा प्लेन लै गई, ठीक है। इस तरह ओके, ठीक है। इस तरह बनानी है आप पत्तियां, बस जे फ्री हैंड हैगा जिथे भी तुहानू ठीक लगता है पत्ती बनानी है, तुहानू भी कोई खाली जी जगह लगती भी इत्थे बन जाए इत्थे बन जाए, है ना, तुसी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। एवें आप क्रीम कलर बारली साइड भी आप एवें कर सकते हैं। किते किते ग्रीन कलर बारली साइड करता, किते क्रीम बारली साइड करता, इस तरह, ठीक है। फिर ये एवें हल्की हल्की लाइनिंग्स कर देनी है, ये आप छोटे ब्रश नाल भी कर सकते हैं, जिमें इस तरह की हुई है मैं लाइनिंग्स बीच बीच। ठीक है, ये मैं बरीक ब्रश नाल करांगी बाद चो, थोड़ा ज़्यादा फ्लैट होने करके थोड़ी सही नहीं हो रही, ज़्यादा मतलब चौड़ी जी हो रही है, तो मैं थोड़ा छोटा बरीक ब्रश लवांगी इस दे लई। ठीक है, बस इस तरह आप सारे फ्लावर्स के चारे पास में पत्तियां बना देनी है। सारिया पत्तियां कंप्लीट हो गई, उस तो बाद आप फ्लावर करांगे। ठीक है, बस इस तरह इत्थे बना दांगी, इत्थे बना दांगी, इत्थे बना दांगी, आ फ्लावर्स दी साइड ते, इत्थे इत्थे
बस इस तरह तुम समझ लग गई कि पत्ती किस तरह बननी है। बस फ्लावर में इस तरह पर देखो जिमें आ मैंने कवर किया होगा इस तरह एक फ्लावर दी मतलब साइड्स ते एक पास तीन दो जिमें डंडी दे एक इधर उपर जिमें डंडी जा रही है वो एक इधर इधर एक एक फुल दी साइड्स ते बस इस तरह अपन कवर करना ठीक है। हाँ जी हुण आपां पत्तियां सारियां कंप्लीट कर लिया हुण आपां फ्लावर बनाउण लगे हैं। फ्लावरस दी एक बारी मैं बेस लगाना हैगा वी जिवें मैं पतला पतला ये बेस लगा रही हूँ नीचे इस तरह ठीक है। ये मैं लाइट पिंक ते नियॉन पिंक लिया हैगा इस तरह जिवें मैं आ फुल ड्रॉ किया सी लाइनिंग्स नाल बस इहनू एक बारी मैं कवर करना हैगा उस तो बाद फिर अगला नेक्स्ट स्टेप करांगे। जिमें जिमें मैं बस ड्रॉ किया सीगा बस उमें उमें उत्थे मैं बना रही हाँ। यह जिहड़ा कोड मैं लगा रही हाँ बिल्कुल पतला लगा रही हाँ ठीक है। ये रफली जिहा ही होएगा उस तो बाद इहदी फिनिशिंग आऊगी ठीक है। इस तरह आप बना लेना है फिर बाद चो हौली हौली यदि पूरी फिनिशिंग आ जाएगी ठीक है। जिमें जिमें आप करी जावे इनू ठीक है। इस तरह मैं सारे फ्लावरस का एक बार बेस बनाना है फिर उस तो बाद नैक्सट स्टैप करांगे। हाँ जी आप एक कोड लगा लिया सीगा मैं सारे फ्लावरस से एक कोड लगा लिया है ठीक है। रफली जहा एक कोड लगाया है मैं वो ज़्यादा फिनिशिंग नहीं की गई ते हुण मैं इस दे एक होर उपर पतला पतला एक होर कोड लगाऊंगी जिहदे नाल इहदे विच फिनिशिंग आ जाएगी ठीक है। इस तरह इहदे विच फिनिशिंग आ जाएगी ठीक है। देखो ए वाला फ्लावर ते ए वाला फ्लावर देखो ठीक है। ये रफली किया होया हैगा इहनू मैं डबल कोड करता इहदे विच फिनिशिंग आई हुई है ठीक है। हुण मैं तुहानू करके दिखाउंदी हां उस तरह ही आपते बस पतला पतला कोड एक होर लगाना पहला भी मैं तो पतला कोड लगाया है उस तो बाद दूसरा भी मैं तो पतला पतला कोड लगा रही हूँ कि ये ज़्यादा हार्डनेस ना हार्ड ना हो ठीक है। इस तरह आपां नूं फिनिशिंग देनी है दोबारे तो हुण आपां इहदे विच जिहड़ा फाइनल टच देना हैगा मतलब जिवें मैं मतलब रोज़ नूं कंप्लीट करना हैगा इस तरह आह वाला राउंड आपां पत्ती दे उपर दी लैके जाना हैगा ठीक है।
फिर आपां इस तरह फिर आ वाली जगह जिहड़ी आपां इत्थे इस तरह ब्रश चलाना है। ठीक है, इस तरह आपां फ्लावर बनाना हैगा। ठीक है, बाद चो मैं इसकी वाइट आउटलाइनिंग करांगी, फिर मतलब पूरी फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो मैं एक होर बनानी है इधरली साइड, देखो आ वाली जिहड़ी पत्ती बनी हुई है ये उपर दी आपां इहनूं लैके जाना है इस तरह। ठीक है, ये नीचे भी आप रख सकते हैं, पर वो एक वो थोड़ा अलग तरह की लुक बन जाती है फ्लावर की, इस तरह की थोड़ी लुक अलग बनती हैगी। ठीक है, इस तरह। ठीक है, जो आप आउटलाइनिंग कर देंगे पूरी यदि फिनिशिंग आ जाएगी तो यह होर भी सोहना लगन लग जाएगा। ठीक है, मैं सारे फ्लावर्स की आउटलाइनिंग कर देंगी, कोई भी फ्लावर्स जो मैं बिना आउटलाइनिंग के नहीं बनाती। ठीक है, इस तरह बनाना है, इस तरह मैं सारे फ्लावर बना लाँगी, फिर आप इसकी आउटलाइनिंग करांगे। ओके, हाँ जी, आप सारे देखो फ्लावर इस तरह बना लेने गे। ठीक है, हुण मैं इन्हां दी होर थोड़ी फिनिशिंग करन लई इत्थे देखो मैं इन्हां दी आउटलाइनिंग करी हैगी। ठीक है, देखो वाइट आउटलाइनिंग कीती हैगी, देखो आउटलाइनिंग करन नाल कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती हैगी, फ्लावर विच जान पै जाती है, डिज़ाइन विच जान पै जाती हैगी। ठीक है, ये देखो मेरे आउटलाइनिंग वाले फ्लावर्स ने गे, आ वाले बिना आउटलाइनिंग तो हैं, देखो कितना फर्क लग रहा है ना। ठीक है, सारे फ्लावर्स आउटलाइनिंग हो गए हैं। ठीक है, उन्हें जिहड़ी कली है एक कली नूं भी आपां कवर करना हैगा इस तरह। ठीक है, इहदे लई मैं 6 नंबर फ्लैट ब्रश लिया, इस तरह आपां इहते पत्तियां लगानी है। ठीक है, इस तरह नूं कवर करना है। ओके, हुण आपां पत्तियां दे विच लाइन्स लगानियां ने डार्क ग्रीन कलर नाल, मतलब मैं सैप ग्रीन नूं ही उहदे विच ब्लैक पा के डार्क बनाया हैगा। ठीक है, Thank you.
ठीक है, बस इस तरह लाइनस लगानी आप बत्तियां दे विच सारे डिजाइन विच। ओके, फिर अपना डिजाइन रेडी है। ठीक है, हाँ जी, अपना सारा डिजाइन कंप्लीट है, देख लो तुसी। ठीक है, ठीक है, सारा दुपट्टा हूँ कंप्लीट है। जे कुछ पूछना हो तुसी कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो प्लीज़ मेरी वीडियोज़। थैंक यू।